राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। भक्तों, आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। आज से पितृपक्ष प्रारंभ होता है। आज पितृपक्ष का पहला श्राद्ध है। यह सोमवारी पूर्णिमा होने के कारण इसका आध्यात्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आज के इस वीडियो में हम भाद्रपद पूर्णिमा की व्रत कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा की विशेष पूजा की जाती है। यह व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। अविवाहित कन्याओं को सुयोग वर मिलता है और विवाहित महिलाओं की वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है और जिनके संतान हैं वे जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। हर क्षेत्र में विजयश्री की प्राप्ति होती है। धन की कभी कमी नहीं होती और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए भक्तों, श्रवण करें भाद्रपद पूर्णिमा के व्रत कथा। परंतु कथा श्रवण करने से पूर्व हमेशा की तरह ओम उमा सहित शिवाय नमः लिखकर अवश्य कमेंट करें। यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। सब साथ मिलकर बोले जय शिव शंभु, हर हर महादेव। श्री कृष्ण जी एक दिन अपनी माता से कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की भी कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्तभाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं परंतु मैं पुत्र ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप समर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे की दीये बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णिमासी को 32 जौ जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा।
जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ ना पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करके उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को ला कर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल कुशल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार इसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास एक वर्ष तक काशी में जाकर विद्यायन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और एक वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वह और उसकी बारात ठहरी हुई थी उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधिपूर्वक सम्पन्न हो गया। पति के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह किसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधु ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी।
हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जुड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जा। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं, तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाएं तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाएं। पिता ने उसके कथानुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विध्यायन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया। उस विषघर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राण को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान, आप इसको प्राणदान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुत्र पुष्प कुछ भी नहीं हो रहे, तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई, तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता को कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया, तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठे हो गए और सब ने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों, यह थी भाद्रपद पूर्णिमा की व्रत कथा। आशा है आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहें।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय भगवान शिव शंकर की, जय माँ पार्वती जी की।